आतंकी फंडिंग मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर कांग्रेस ने विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार हर रोज नए नए फरमान जारी कर रही है। कांग्रेस के सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने केंद्र के फैसले को राष्ट्रीय हित में सही कदम बताया। भाजपा का कहना है कि PFI के माध्यम से टेरर फंडिंग की जा रही थी। और देखिए, सरकार लगातार केंद्र सरकार नए नए फरमान जारी कर रही है और एक फरमान भी यही है PFI फंड का जो उन्होंने निर्णय लिया है खत्म करने का, तो निश्चित रूप से यह कदम सरकार का, इससे क्या नुकसान होगा और किन लोगों को इससे प्रभावित होंगे, आखिरकार के प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां पर खड़ी है, इस बात का संकेत है। इसलिए इस तरह की घटनाएं, इस तरह की प्रवृत्ति कर रही है सरकार। PFI के मामले में केंद्र सरकार के द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये बात सिद्ध हुई है कि PFI को विदेशों से टेरर फंडिंग हो रहा था और अन्य प्रकार की उनकी गतिविधियाँ भी देश विरोधी थी, तो ऐसे में उनका प्रतिबंध लगाया जाना उनके ऊपर अपने आप में सही कदम है। और दूसरी ओर कांग्रेस के सांसदों द्वारा इस प्रतिबंध का विरोध करने से कांग्रेस की मानसिकता एक बार पुनः खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि इस प्रकार की संस्था पर प्रतिबंध लगाने का उन्हें स्वागत करना चाहिए था। लेकिन अगर कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पर यह भी महसूस होता है और दिखाई देता है कि कांग्रेस को देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो जो है अपनी राजनीति को अधिक महत्वपूर्ण देती है और तुष्टीकरण जैसी जो उनकी पुरानी नीति है उसी पर अभी तक देश के हितों की बलि देने के बाद चलने की कोशिश में है।